हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कल रात तो लाइट चले गई थी, तो कल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया और आपको दिखा भी नहीं पाया स्केच कैसा बना है। तो आज दिखाऊंगा मैं आपको कि स्केच कितना बन गया है। और आज भी बारिश हो रही है, तो आज मेरे को लाइट का मुश्किल लग रहा है, जा भी सकती है। तो ये तो फ़िलहाल आई हुई है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, तो मौसम बहुत गंदा हो रहा है, भीगा भीगा सा, और मैं भीग गया हूँ इतना सा यहाँ वहाँ से आने में। तो आज आपको स्केच दिखा देता हूँ कितना बन गया, और थोड़ा काम करना है उस पर भी, फिर काम होने के बाद उसको जिसका है उसको दे देंगे। तो अभी दिखा देता हूँ आपको कितना बन चुका है हमारा स्केच। गाइस ये रहा अपना स्केच, जो भी मतलब थोड़ी डिटेलिंग बची हुई है इसमें, बाकी वैसे तो पूरा ही डन है, लेकिन थोड़ी डिटेलिंग और कर रहा हूँ मैं। और कैसा लग रहा है कमेंट बता देना। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, थोड़ी शार्प डिटेलिंग भी करनी है अभी इसमें, मतलब बहुत चीज़ें करनी है अभी। तो ये पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक और स्केच आर्टवर्क है उसको देखेंगे। मैं तो पहले इसको कर ही लेते हैं। भाई दादा बज चुके हैं 12:30 और मेरा काम डन हो चुका है। बीच में ऑनलाइन क्लास आ गई थी तो थोड़ी लेट हो गई, बट अब काम पूरा डन हो चुका है। आशा करता हूँ आपको मेरा काम अच्छा लगेगा। तो दिखा देता हूँ आपको, बड़ी मेहनत लग गई गाइस, और दिखा देता हूँ मतलब बहुत मेहनत लगी है स्केच में। मतलब ये वन ऑफ द टफेस्ट स्केच है जो मैंने बनाया है अभी तक का, बहुत मज़ा आया। लेकिन बाहर बारिश हो रही है अभी, और एक स्केच आज और स्टार्ट करना है। सो आप लोगों के सपोर्ट से आज यहाँ पहुँच गया हूँ। तो दिखा देता हूँ आपको स्केच कैसा बन गया है। सो गाइस ये बन चुका है स्केच हमारा, रेडी हो चुका है पूरा। इसका मैंने कोई फास्ट मोशन वगैरह नहीं बनाया, तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और इसमें मैं पॉलिश कर रहा था फिलहाल हाफ ही की, मेरे को याद आया कि व्लॉग में भी लेना है। सो ये पूरी पॉलिश कर लेते हैं, फिर इसका ये काला काला निकलेगा नहीं। एंड इसके टीथ में बहुत मेहनत लगी है, दांतों में और हेयर्स में, मतलब बहुत काफ़ी मेहनत लगी है। तब बिजली निकल लेता हूँ। पॉलिश हो चुकी है, डन। कमेंट में बताना कितना बढ़िया लग रहा है करके, बहुत मेहनत लगी है। तो बस यही थी मेहनत, और रूम डब्बा को लो गया, ऑनलाइन क्लास आई थी, मैंने सब जल्दबाजी में निकाला, और सफाई करनी हो रही है रूम की। तो अभी तो फिलहाल आपको दिखाई दिया है मैंने कैसा लग रहा है। इट्स लंच टाइम। तो आज है लंच में खिचड़ी, डॉली के पास भी खिचड़ी और सैलेड है, और मेरे पास भी खिचड़ी सैलेड दही, और मम्मी रोज की तरह मम्मी परोसी है खाना, और भुक्कड़ साहब बैठे हुए हैं मोटे लोग, तो भी खाना खा लेते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ फिर से स्केच बनाने के लिए, और बहुत बचा है, मतलब अभी स्केच थोड़ा सा दूसरा स्केच बनाना है, तो चलते हैं।
सो गाइस अब बच चुके हैं रात के 9 और मेरा स्केच डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और उस पर मैंने फिक्सिंग भी कर दी है, ऑटोग्राफ भी दे दिया है और मतलब सब कुछ कर लिया है। और सुबह से मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मेरा स्केच 2 स्केच बना दिए मतलब सुबह से, मतलब एक में फिनिशिंग करनी थी और एक तो स्टार्टिंग से ही बनाना था, तो बन चुका है यार, अच्छा बना है, इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है और बहुत अच्छे दिल से बनाया मैंने, तो सही है। और अभी फ़िलहाल याला स्केच भी डन हो चुका है, दोनों स्केच अब साथ में करने हैं हमने पोस्ट। तो अभी फ़िलहाल बड़ी कमर में दर्द हो गई है बैठे बैठे, और यहाँ पे मतलब रूम की हालत ऐसी हो गई है क्या बताऊँ, और मैं टेढ़ा बैठा हूँ बिकॉज़ वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब क्या कहना था, तो अभी फ़िलहाल रात के 9:30 हो गया, मेरा काम चल ही रहा है। क्या ही बताऊँ अपने, और इतनी मेहनत लगी स्केच में, पहले शुरू में इसका थोड़ा फेस कट ख़राब हो गया था, फिर उसके बाद थोड़ा और दिक्कत हो गई थी, फिर उसके बाद जाके ये सब सही हुआ है और बड़ी मुश्किल सही हुआ था और अब अच्छे से सही हो चुका है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं कैसा लग रहा है, और कुछ नहीं है, और नींद आ रही है बहुत गंदी वाली, और कमर ऐसी टेढ़ी हो गई है ना बैठे बैठे, काम ही बैठने का है तो दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस स्केच हमने बना लिया है, इस पर फिक्सिंग भी कर दी है, और आज के दिन में 2 स्केचेस बनाए हमने, मेरे को याला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा बनाया बहुत ज़्यादा, मतलब वो इससे ज़्यादा अच्छा है, मैं उसको कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों सही बने थे आज के। तो अगर आपको भी कमीशन वर्क करना है तो मेरे को कमेंट में बता देना। तो अभी फ़िलहाल ट्राईपॉड ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आज, मैं नींद जैसी आ रही है। अभी फ़ोटो शूट किया था, सारा सामान हटाया था, और चलते हैं अब रूम की तरफ, और आज रात हो चुकी है 9:30। ओह माय गॉड, अंधेरा अंधेरा हो रहा है हर जगह। तो यह स्केच, ये मैन मज़ा आ गया यार। तब बच चुके हैं रात के 11:30 और आज के ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरा आज के दोनों स्केचेस अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे होंगे तो लाइक करना, और आपको भी करवाना है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो अभी फ़िलहाल आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको आज के ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। डॉली दिख रही है पीछे।